आप सभी का स्वागत है राजन व्लॉग्स चैनल पे। और आज फिर से दोबारा से एक नए ट्रिप पे निकल चुका हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल दिल्ली क्रॉस कर दी है, सुबह अंधेरा था घर से इसलिए वीडियो शुरू नहीं किया और सोचा कि कहीं रुक के आराम से आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस ये वाला जो ट्रिप है ये होने वाला है फैमिली के साथ, और मेरे साथ एक और भी फैमिली है जो मेरा फ्रेंड है और मेरा ऑफिस कोलीग भी है। अभी आप लोगों को सबसे मिलवाता हूँ जो भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो यही है गाइस, ट्रिप एक नया शुरू हो गया है, कुछ दिन का ट्रिप है और कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा। बाकी धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि क्या है इस ट्रिप पे नया। तो एक बार मिलवा दो सबसे आप लोगों को, चलिए मिलवाते हैं निधि रानी और कुंवर। तो गाइस ये मेरा ऑफिस कुलीग है और मेरा दोस्त भी है, और ये इनकी वाइफ हैं भाभी जी हमारी, और ये इसकी इनकी बेटी हैं। हाय करते, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। मुझे श्रेया। नाम बताओ? श्रेया। गाइस इस बेटी का नाम ना श्रेया है, और हमारे जो हैं इनको आप जानते ही हो। हाँ जी, हाय, बोल दे कुछ। नहीं बोलेगी? हाँ जी मैडम, क्या हाल है? बढ़िया सब। तो चलिए चलते हैं फिर गाइस आगे, और दिखाते हैं आज आपको कुछ क्या है नया इस ट्रिप पे। और लगभग अभी दिल्ली से हम 50 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, मेरठ हमने क्रॉस कर लिया है। मेरठ क्रॉस करते ही जस्ट पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हैं। तो बस गाइस यही है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लाइव जो स्टोरीज होती हैं, लाइव अपडेट्स होती हैं ट्रिप की, वो इंस्टाग्राम पे चलती रहती है। और वीडियोज़ क्या है कि वो थोड़ा लेट आती है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों को पता लगता रहेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी। तो शुरू करते हैं फिर आज का ये दिन, आज का ये नया वीडियो, ठीक है? चलो तो गाइज ये जो ट्रिप है ना, ये हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कोवरम? चंबा के पास ना गाइज, हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। पहली बात तो ये उत्तराखंड जा रहे हैं, और उत्तराखंड में जगह है टिहरी। टिहरी पड़ता है चंबा में ना? हाँ। है ना, चंबा पड़ता है टिहरी में। अच्छा, चंबा पड़ता है। तो गाइस चंबा जो है वो टिहरी में पड़ता है। तो चंबा के पास एक गांव है जहाँ का हमारा ये भाई कुंवर है, तो हम बेसिकली कुंवर के घर जा रहे हैं आज। तो हम दोनों को साथ में काम करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो ये काफ़ी टाइम से कहता रहता था मुझे कि कभी चलो हमारे यहाँ पे भी, हमारे गांव थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो फाइनली हम ये हमारा प्लान बना एक कि भाई ये टाइम अच्छा है, अभी थोड़ा टाइम मिल गया ऑफिस से, तो हम लोग जा रहे हैं भाई के गांव, ठीक है? तो आप लोगों को कुछ स्पेशल अब की बार ये देखने को मिलेगा वीडियोज़ में कि एक उत्तराखंड का गाँव कैसा दिखता है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं। क्यों भाई, सही बात है? सही है। बाकी गाइज रास्ता जो है ना, रास्ता अभी हम लोग हैं हरिद्वार वाले रोड पे, और मुजफ्फरनगर अभी यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो रास्ता तो आप लोगों को पता ही है, हरिद्वार वाला हाईवे है, तो ऑलमोस्ट अभी तो ठीक हो चुका है काफ़ी। बीच बीच में कहीं पे अभी बन रहा है रोड, बाकी तो ऑलमोस्ट हरिद्वार तक तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम लोग जाएँगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हम लोग जाएँगे टिहरी वाले रास्ते पर। तो बाकी का जो अपडेट होगा वो आगे चल के आपको ऑन द वे देता रहूँगा। बीच बीच में मौसम अच्छा है, धूप निकल गई है, हवा ठंडी है, मज़ा आ रहा है कुल मिला के। क्यों भाई? तो गाइस अभी टाइम हुआ है 9:26:27 हो गए हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं, पर हरिद्वार यहां से है 60 किलोमीटर अभी। और अभी मैं क्या सोच रहा हूं, जो नए वाला ड्रोन जो लिया है ना मैंने, उससे अभी तक कोई फुटेज नहीं लिया है। तो अभी आप लोगों के लिए कहीं पर रुक के कोई एक अच्छी सी लोकेशन देख के वहाँ पर ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट आज, ठीक है? मज़ा आएगा काफ़ी, मैं भी फर्स्ट टाइम उसको फ्लाई करूँगा, तो देखते हैं कैसे शॉट्स आते हैं। तो अभी देखता हूँ कुछ अच्छी सी लोकेशन, फिर रुकते हैं वहाँ पे। बाकी ये देखो मैडम को देखो ज़रा, इन दोनों की ना गाइस दोस्ती हो गई अभी, श्रेया की और यानवी की। पहले जो है श्रेया आगे बैठी हुई थी, तो यानवी ने उसको पीछे बुलाया कि आ जाओ, तो फिर पीछे बैठ के दोनों अपना गप्पे मार रहे हैं आपस में बैठ के, अपना पहले बात नहीं कर रहे थे दोनों। तो गाइस फाइनली लोकेशन ढूंढ ली है, अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में। मैं भी क्या है ना, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। बच्चे देखो कितने एक्साइटेड हैं,
हाँ जी श्रेया, मजा आ रहा है? हरिद्वार अभी गाइस रह गया 54 किलोमीटर्स और हाईवे भाई साहब जबरदस्त हाईवे हो गया अब ना, ये सारा डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं। अब देखो लिखा है पुरकाजी 2 किलोमीटर्स है, देहरादून 108, हरिद्वार 52। तो गाइस हमारी क्या है ना, अभी ये खाना खाने की तैयारी और घर से कुंवर की वाइफ और कुंवर बना के लाए थे आलू की सब्ज़ी। ये देखो ये ड्राई वाले आलू की सब्ज़ी है ना, घर से बना के लाए थे। और ये दाल अभी हमने दाल क्या है, हमने यहीं पे ऑर्डर किया है अभी, तो खा लेते हैं खाना क्योंकि लगभग अभी 11 बजे का टाइम हो गया है और हरिद्वार के पास ही हैं हम लोग। तो एक रेस्टोरेंट पर रुक के हम लोग अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। चलो फिर मिलते हैं, आगे एक अपडेट फिर देंगे आपको, ठीक है? खाना खा के मिलते हैं। तो देखो भाई साहब इसको ना, इसको पूरी शैतानी सूझ रही है अभी ना, खाना खाने के बाद एनर्जी आ गई है। कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार क्या करने जा रहे हो? पानी में डूबने। पानी में डूबने थोड़ी जाते हैं बेटा। चल चल तू डूब। हाँ चल बैठ बैठ नहाने बैठ। शैतान जानवी कहाँ जाना है? हरिद्वार। अच्छा अभी आप क्या कह रहे थे, हरिद्वार क्या करने जाना है आपको? पानी में डूबने। डूबने क्या करने जाना है बेटा, डूबने थोड़ी जाते हैं। पानी में नहाने। नहाने, पर हम हरिद्वार थोड़ी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। नहीं हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। बताओ कहाँ जा रहे हैं? अंकल के गांव। अंकल के घर जा रहे हैं, अंकल का घर है ना वहाँ पे। पहले हरिद्वार आएंगे फिर जाएंगे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही। चलो जी, तो गाइस अभी तक का अपडेट जो था वो आपको दे दिया यानवी ने, बाकी का अपडेट आपको रोड पे मैं दे दूंगा बाद में। तो हम लोगों ने क्या है ना, हरिद्वार क्रॉस कर लिया है। अभी हरिद्वार में चल रहा है कुंभ, तो पूरा बंदोबस्त है भाई साहब, साफ सफाई और घाट इतने साफ सुथरे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं सब, रोड चमक रहे हैं। वो मैं यार कैमरा ऑन करना भूल गया तो दिखाया नहीं आपको, खैर मैं वापस आते हुए रिकॉर्ड कर लूँगा तो सब दिखा देंगे। तो गाइस पहाड़ों का रास्ता जो है शुरू हो गया है अब, ऋषिकेश हमने क्रॉस कर लिया है। कुमार यहाँ से कितना होगा और डिस्टेंस? 70 होगा अभी पूरा गाँव ना, तो अभी लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता रह गया है। चंबे वाले रूट पे गाइज ये बीच में एक जगह पड़ती है, पहले तो नागनी से ये जादारी गांव की तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, हमारे कुंवर भाई साहब का जो गांव है ना। कुंवर एक बार अपने गांव का भी नाम बता यार। नागदेव पथड़। इसी रूट से जाते हैं, जरदार गांव से होते हुए नागदेव। अच्छा अच्छा, तो चलो जी यहाँ से बेसिकली अब इसके गाँव का रास्ता जो है शुरू हो गया है और डिस्टेंस लगभग है यहाँ से 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर का रास्ता ऐसा हमें मिलेगा, थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप मिलेगा, थोड़ा प्लेन मिलेगा। हाँ तो उसके बाद गांव पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे फिर कि गांव कैसा है, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग हैं, ये नागनी एक विलेज है
और नागिनी उत्तराखंड में हम जब चंबा की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे बीच में एक विलेज पड़ता है। पीछे की वैली मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं रुक गया यहाँ पे। और हवा काफ़ी तेज़ और ठंडी है। हाँ जी, दृष्टि का थोड़ा मन लग गया है, मज़ा आ रहा है इसको देखो जरा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? इधर बोलो। अच्छा लग रहा है। और ये पीछे नज़ारा कैसा है देखो? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये वैली देखो कितनी सुंदर लग रही है, और ये बीच में ग्रीन ग्रीन ना। मुझे इनके अंदर जाना है। अंदर बेटा ये खेती है, इसको ना अगर हम जाएंगे तो पेड़ खराब हो जाएंगे, तो इसलिए जाते नहीं है। तो ये जो उगा हुआ है ना, ये है गेहूँ, गेहूँ कहते हैं इसको। आओ जी, आओ 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 जी। इसका मूड खराब चल रहा है, ये सो के उठी है अभी। तो ये पूरा पीछे ना वैली का नज़ारा है, ऐसे देख रहे हो भाई साहब, अलग ही एहसास है। ठंडी हवा दोपहर के टाइम में, धूप तेज है फिर भी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे भी एक बार कुछ बन रहा था पूरा ये इसमें ना, हाँ कुछ मतलब बड़ा सा, तो यहाँ पे मतलब इधर से सामान ट्रांसफर इधर उधर के लिए होना था। हाँ, पर यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, उन्होंने बोले नहीं हमारी खेती चाहिए हमें। अच्छा, मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। नहीं तो यहाँ पे काफी लोगों के लिए बिजनेस भी था, नौकरियाँ, काम मिल जाता, नहीं काम मिल जाता, क्योंकि खुला स्पेस है ना, यहाँ पे बन सकता है। तो गाइस हम लोग अभी बढ़ रहे हैं कुंवर सिंह चौहान के गांव की तरफ। कुंवर एक बार फिर से नाम बता यार, मेरे से नाम प्रोनाउंस नहीं होता। नागदेव पथर्ड, नागदेव पथर्ड गांव का नाम है। और अभी हमें सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप लोग देखिए, बिल्कुल सामने जो सामने गांव दिख रहा है ना, वही है, बस वहीं जाना है, प्लेन पे जो सारे घर बने हुए हैं। और आगे से अच्छा भी आएगा। हाँ, और थोड़ा पास जाके दिखाएंगे आपको। पर यह है कि कुल मिला के मज़ा आ रहा है, रास्ता भी अच्छा है अभी तक तो घर तक जाने का, और हवा भी ठंडी है। तो गाइज आप लोगों को ना कुछ अलग देखने को मिलेगा अब की बार इस ब्लॉग में। तो गाइज हम लोग क्या है ना, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे कुंवर सिंह के गांव में, और घर पे पहुंच चुके हैं। उनकी माता जी से मिल लिए, उनके बड़े भाई से, उनकी भाभी जी से, सबसे अभी मिल लिया हूँ। और आप लोगों को अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सभी से मिलवाता हूँ। एक बार आप लोगों को अपने पीछे का नज़ारा दिखा दूँ कि मैं आया कहाँ पे हूँ यार, मतलब स्वर्ग है लिटरली। ये देखो, देख रहे हो भाई साहब, नज़ारा देखो ज़रा पीछे का यार। मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह के विलेज में मैं आऊँगा। निधि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो अभी क्या है कि बच्चों से भी पूछना बाकी है कि उनको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना, सही लगा ना, सही जगह लेके आया हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा लगा ना। तो ये हवा है ना गाइज, अभी धूप इतनी तेज है पर उसके बावजूद भी हवा इतनी अच्छी लग रही है, ठंडी हवा की बस पूछो मत। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ घर है इनका। हम लोग यहाँ पीछे नीचे की तरफ आए थे थोड़ा सा, तो ऊपर घर है, घर दिखाता हूँ और सबसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा एक बार, कि कुंवर बता देगा कौन उनकी मम्मी है कौन भाई है। ठीक है, चलो चलते हैं ऊपर, घर का रास्ता है ऊपर। ये पूरा घर है यहाँ से लेके यहाँ से, और ये वाला रूम जो है ये हमें दिया है। अभी मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको ले जाके, ये ऐसे करके पूरा वहाँ तक घर बना हुआ है, आगे तक ना वहाँ तक पूरा। और वो कुंवर के भैया हैं, अभी मिलवाते हैं। कुंवर इंट्रोड्यूस कराओ जरा अपने भैया से, सबसे मिलवाओ एक बार ना जरा। तो गाइज ये इनको तो सुबह मिले थे आप इनसे, कुंवर। तो ये गाइज कुंवर के बड़े भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? हाय, दिस इज राजन सिंह चौहान। क्या लगता है राजन सिंह चौहान? आपका नाम भी राजन है? राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र। अच्छा अच्छा, तो गाइज इनका नाम है राजेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी पर बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं सब लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि, जिंदाबाद। और कुंवर की माता जी से मिलते हैं, आइए। नमस्ते। तो मम्मी जी हैं मेरी, ये कुंवर की माता जी हैं। और माता जी अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रेमा देवी। प्रेमा देवी, देवी तक पर। हाँ, नहीं बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। आपको अच्छा लगा हमसे मिलके? अच्छा लगे बा, पर मेरा तो दिल टूट के था, मैं कहा गए ना बेटे ना, कैसे समय से मतलब कहाँ चले गए। अच्छा गाइज, कुंवर का ना फोन स्विच ऑफ हो गया था बैटरी डाउन की वजह से, तो हम लोग से इनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं परेशान हो गई कि फोन स्विच ऑफ हो गया था। बाकी सब बच्चे इधर देखो, हमारी यानवी को फ्रेंड मिल गए सब यहाँ पे। हाँ जी, चलो अपने अपने नाम बताओ सब, ठीक है आओ बताओ आपका क्या नाम है। गुन्नू, गुन्नू ओरिजिनल नाम क्या है आपका? गनिका। गनिका बहुत अच्छा नाम है आपका। गाइस ये तो श्रेया है, सुबह से हमारे साथ ही है। और उसका नाम क्या है? नाम बताओ। सृष्टि नाम है, सृष्टि। और आपका?
नान भी। चलिए पानी पी लेते हैं फिर दोबारा मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा वो भाभी जी, वो भाभी जी हैं कुंवर की भाभी जी। भाभी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता। सीता, तो गाइज ये कुंवर है और ये सब कुंवर का परिवार है जो इधर है सब ना। ठीक है चलो, तो गाइज यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। और तो यहाँ तक की वीडियो आज के लिए, अभी के लिए एक वीडियो जो थी वो यहीं तक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और शेयर कर लीजिए। इन इस जो सीरीज़ अभी मैंने शुरू की है ना आज, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत इन्जॉय करोगे, अलग कुछ देखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। तो यहाँ से जो आगे का पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुंवर के घर पहुँचे हमने, उसके बाद क्या क्या किया, क्या देखा, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ जी बच्चा लोग, हेलो बाय बाय बाय, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।